गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस की हमारी बॉडी में एसिड और बेस कैसे मेंटेन रहता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मे बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं वही आपको डिनोट कराते हैं, वही आपको मेजर कराते हैं कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है और बेसिक इन नेचर है। द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल एंड द एक्टिविटी ऑफ द सेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। जो भी नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी सेल के अंदर और जो भी सेल की एक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करने से, पीएच को इन्फ्लुएंस करने से। वो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है और जो भी सेल की एक्टिविटी हो रही है वो भी पीएच को इन्फ्लुएंस करने से हो रही है। द पीएच इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच क्या है, पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली यही हमारे सॉल्यूशन को बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है और बेसिक इन नेचर है। अगर जो है हमारे जो पीएच है अगर वो कम होता है तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसको हम कह सकते हैं एसिडोसिस। अगर वहीं कहें कि पीएच हमारा ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं एल्कलोसिस। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूड आर गिवेन एज फॉलोस। फर्स्ट है ये बहुत सारे बॉडी के फ्लूड हैं जिनका पीएच डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट है यूरिन, यूरिन का पीएच होता है 4.5 to 8.0, ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.5 to 3.5, सलाइवा का होता है 6.2 to 7.6, बाइल का पीएच होता है 6.0 to 8.5, सीमेन का पीएच होता है 7.2 to 7.6। द पीएच ऑफ ब्लड ऑफ अ हेल्दी पर्सन रिमेन अराउंड 7.3। इफ द पीएच ऑफ ब्लड बिकम्स लो That is hydrogen ion concentration increase is called acidosis. If the pH of blood becomes high, that means कि low hydrogen ion concentration is called alkalosis. एक healthy person के blood का pH होता है वो around 7.35 होता है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि इस blood के pH को कम कर देते हैं, लो कर देते हैं, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि एसिडोसिस हुआ है। इफ द पीएच ऑफ ब्लड बिकम्स हाई, अगर ब्लड के पीएच को बढ़ा देते हैं दैट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी और इसको हम कहेंगे एल्कलोसिस। द पीएच ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बफर सिस्टम। जो भी सेल के अंदर फ्लूड प्रेजेंट है या सेल के बाहर फ्लूड प्रेजेंट है उनका पीएच जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर एक बफर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। बफर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि वो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस जो होते हैं उनको वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है द कंट्रोल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच इज मेनली कैरीड बाय 3 मैकेनिज्म। जो भी आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मेनली 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट वन है इसमें बफर सिस्टम। बफर सिस्टम भी 3 मैकेनिज्म पर बेस्ड है। द 3 मेजर सिस्टम ऑफ बफरिंग इन द बॉडी, इसके भी 3 पार्ट्स हैं बफर सिस्टम के। फर्स्ट है कार्बोनिक बफर, सेकेंड है मोनोहाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, थर्ड है प्रोटीन बफर सिस्टम। इसमें फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट विच मेनली अकर्स इन द प्लाज्मा एंड किडनी। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर्स जो होते हैं वो मेनली प्लाज्मा और किडनीज में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड पीएच, और ये क्या करते हैं कि ये ब्लड के पीएच को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट विच इज मेनली फाउंड इन द सेल्स
एंड किडनीज। ये मोनोहाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बफर सिस्टम जो होते हैं ये सेल्स और किडनीज में प्रेजेंट रहते हैं। और ये बफर सिस्टम क्या करते हैं कि जो साइटोसोल, साइटोसोल क्या है यहाँ पे, इंट्रा सेलुलर फ्लूड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उस साइटोसोल के पीएच को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, दैट आर हैविंग एटलीस्ट वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप। इसमें जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वन कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। फर्स्ट था बफर सिस्टम, सेकेंड है थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर। द कंट्रोल ऑफ पी एच ऑल्सो अकर्स थ्रू द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। इफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड इट एल्टर्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग। दिस चेंज इन रेट ऑफ ब्रीदिंग इज एबल टू कंट्रोल द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी फ्लूड्स विच गिव्स राइज टू चेंज इन पी एच ऑफ ब्लड एज कार्बोनिक एसिड। जो पी एच होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा दैट मीन्स कि हमारे जो ब्रीदिंग का रेट है वो भी चेंज होगा, और उस ब्रीदिंग के रेट को चेंज होने से क्या होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के फ्लूड में प्रेजेंट है वो रिमूव आउट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिमूव आउट होगी और जिसकी वजह से क्या होगा जो हमारे ब्लड का पीएच है वो भी चेंज हो जाएगा। थर्ड है इसमें एलिमिनेशन ऑफ सम आयंस थ्रू अ किडनी थ्रू यूरिन बाय अ किडनी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन आयंस आर एलिमिनेशन ऑफ अदर आर एबल टू कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड एंड दस द बॉडी फ्लूइड्स। कुछ आयंस का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एलिमिनेशन पर डिपेंड रहता है। जब कुछ आयंस हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं बाय अ किडनी तो ब्लड और बॉडी का फ्लूइड के पीएच जो होते हैं वो दोनों ही कंट्रोल होते हैं। थैंक यू।